हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक सडन इशू आ गया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में। नई बाइक है, मैंने अक्टूबर 15 को खरीदी थी 2021। सिर्फ 5 महीने हुए बाइक को लेके और इसमें मेरे को नई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम है और जिसके लिए मैंने कंप्लेंट रेज किया है। सर्विस सेंटर तो इनका बहुत अच्छा है और कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं आपके एरर्स को, आपके प्रॉब्लम्स को। लेकिन नई बाइक 2,40,000 रुपये ऑन रोड पड़ रही है। नई बाइक है, 5 महीने हुए हैं और ये दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। पहला प्रॉब्लम था इसका मीटर अटक जाता था, अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसका हॉर्न चलना बंद हो गया है। अभी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इसके हॉर्न ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। क्लासिक 350 रीबॉर्न, मैंने ये खरीदी 15 अक्टूबर को। अब आपको दिखाता हूँ इसका जो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। इग्निशन ऑन है, हॉर्न चलना बंद हो गया। कल रात को सडनली हॉर्न चलना बंद हो गया। मैंने वायरिंग चेक करी, मुझे वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखी, बाकी सब प्रॉब्लम सही है। जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम आई थी मीटर की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वो अभी तक तो मुझे नहीं आई। लेकिन ये सेकेंड प्रॉब्लम शुरू हो गई है रॉयल एनफील्ड क्लासिक रीबॉर्न में, रीसेंट मॉडल जो है। जस्ट 5 महीने के अंदर मुझे इसमें दूसरी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं ये कितना लंबा सफ़र तय कर पाएगी। या तो बाइक के प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है या इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बेकार है। तो फिलहाल मैं अभी सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ, उन लोगों ने बोला है कि इसका रिपेयरिंग करके देंगे क्योंकि ये अभी अंडर वारंटी है। जस्ट इमेजिन अगर वारंटी ख़त्म हो गई होती तो इसके लिए वो लोग मुझे 3-4,000 रुपीज़ चार्ज करते थे। अगर आपको दिख रहा हो, ये इसका हॉर्न नॉब है, कुछ काम नहीं कर रहा। इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं, बाकी सब परफेक्ट है। अभी मैं सर्विस स्टेशन लेके जा रहा हूँ, उन लोगों ने बोला है कि इसकी रिपेयरिंग करके देंगे। लेकिन अगर 5 महीने में ये हाल है गाड़ी का, तो मुझे थोड़ा डाउट है कि ये कितना लंबा सफ़र तय कर सकती है। और सेम प्रॉब्लम हमें मीटियर और दूसरी गाड़ियों में भी सुनने को मिली है। जो क्लासिक 350 थी, पुराना मॉडल, उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि उसका हॉर्न, उसका सेल्फ स्टार्ट सब कुछ बंद हो जाता था। अभी इस गाड़ी में तो किक भी नहीं है कि अगर आपका सेल्फ ख़राब हो गया तो आपको सिर्फ धक्का मार के ही इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी सर्विस स्टेशन ले जा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे इसका क्या हाल होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई जस्ट रीच्ड द सर्विस स्टेशन। सेम प्रॉब्लम विद द न्यू बाइक ऑल्सो, हॉर्न चलना बंद हो गया। तो अभी भी रिसेंटली दी हुई है। अभी बाइक सर्विस स्टेशन लेके आया हूँ, उसके बाद देखना है कि अभी सर्विस के बाद लोग क्या क्या डिफॉल्ट्स बताते हैं उस गाड़ी में। जहाँ तक मुझे लग रहा है वायरिंग का ही प्रॉब्लम होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली दे विल टेल मी आफ्टर द कंप्लीट चेक। नई बाइक में इस तरह से प्रॉब्लम आना इज वेरी बैड थिंग। रॉयल एनफील्ड को कुछ तो करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। ओके, बाइक का हॉर्न का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उन लोगों ने कहा था कि ये जो क्लिप्स हैं, जो हॉर्न के ऊपर क्लिप्स लगे हुए हैं, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। ये थोड़े लूज हो गए थे, इसलिए उन लोगों ने इसे टाइट करके वापस फिट कर दिया। सर्विस स्टेशन से मुझे हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस स्टेशन से। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि इतना महंगा प्रोडक्ट होने के बाद, इतनी क्वालिटी बाइक बनाने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोगों ने पूरे जो 350 पुराने प्रॉब्लम्स थे उसको रेक्टिफाई किया था, ऐसे बोल के ही इस गाड़ी को लॉन्च किया था। इसका वाइब्रेशन, इसके बाकी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम, वायरिंग प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इसको लॉन्च किया था। लेकिन अभी भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो वैसे तो बाइक मेरी आज भी फर्स्ट चॉइस है, पसंद है मुझे, मैं इसे नहीं बेचना चाहता ना मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। लेकिन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बाद इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे मन खट्टा हो जाता है। तो उम्मीद है अब यह हॉर्न लंबे टाइम तक चलेगा, क्लिप्स के प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।